हेलो, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है. वेलकम टू येट अनदर आशीष डेविड वीडियो ऑन वॉइस निंजा. आप कैसे हैं? आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं एंड लाइक भी कर रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा. धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा हिंदी में बात करूँ, क्योंकि हिंदी में बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं बाहर, मतलब ऑन फेसबुक एंड ऑन यूट्यूब, जो मेरे वीडियोज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा हिंदी में बातें ज़्यादा करूँ. तो मैं कोशिश करना चाहूँगा, अगर मेरी हिंदी इम्प्रूव हो सकती है और अगर आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा, बिकॉज इंग्लिश इज़ माई प्राइमरी लैंग्वेज एंड आई एम मोर कम्फर्टेबल इन इंग्लिश, बट आई हैव टू गेट आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जोन एंड आई हैव टू लर्न दैट फ्रॉम यू. ऑलराइट, सुमति हैज मैसेज मी, तनीजा हैज मैसेज मी. Sumati writes me a longish email and I love longish emails. So this video is going to be for Sumati Taneja. She says, hi Ashish, this is Sumati. मैं voiceover artist हूँ पुणे से. मुझे आपकी videos बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनको काफी time से follow कर रही हूँ. They are very helpful. Thank you so much, Sumati. She says, I have been doing voiceovers. मैं voiceovers English में और Hindi में 2 साल से कर रही हूँ. Congratulations. I have not taken any training and started this career all on my own. मैंने किसी ट्रेनिंग के बगैर ही अपना करियर स्टार्ट कर लिया. इत्तेफाक से मैंने स्टार्ट किया और मुझे काम भी मिलना शुरू हो गया. अभी मुझे अप्रूवल्स मिलने क्लाइंट से स्टार्ट हो गए, जो पिछले साल नहीं हो रहा था. तो मतलब इनके क्लाइंट्स भी इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना अभी स्टार्ट कर दिया, जो पिछले साल ये थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड था इनका. वेरी गुड. मुझे फिर भी लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ. मैं अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना चाहती हूँ, स्टूडियोज और प्रोडक्शन हाउसेज और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को कॉन्टैक्ट करके. एक्सलेंट एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीबडी एल्स. जो बाकी लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप भी अपना नेटवर्क जो है वो बढ़ा सकते हैं, स्टूडियोज को, प्रोडक्शन हाउसेस को और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को कॉन्टैक्ट करके. ठीक है, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, हम सब जानते हैं. तो आप वॉइस ओवर सीखने के अलावा, अपना डेमो बनाने के अलावा, अपना मॉड्यूलेशन इम्प्रूव करने के अलावा, बाकी वॉइस ओवर आर्टिस्ट से सीखने के अलावा, इन वीडियोज को सीखने के अलावा, आपको अपने कॉलोनी में, अपने सिटी में, अपने टाउन में, अपने कंट्री में, wherever you are in the world, you need to network and you have to network with studios, production houses and advertising agencies, just like Sumati Taneja in Pune is doing. आगे वो बोलती हैं, मैं बहुत passionate हूँ voice overs को लेके और मैं इस field में और सीखना और grow करना चाहती हूँ. मेरे कुछ सवाल हैं, ठीक है. She says, पहला सवाल, मुझको नहीं पता कि मुझे किस वॉइस ओवर के लिए कितना पैसा चार्ज करना चाहिए. मैं काम छोड़ना नहीं चाहती और मैं ये नहीं चाहती कि मुझे जितना मिलना चाहिए उससे मुझको कम मिले. मैं बहुत आई एम मोर कंफर्टेबल व्हेन दे गिव मी द बजट. मतलब वो बोल रही है कि जब मुझको बताया जाता है कि इतना बजट है तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ इससे कि मैं उन लोगों से पूछूं कि मुझे इसका इतना मिलना चाहिए. ऑल्सो ऑल्सो इफ वन लूजेस द वर्क फॉर एनी रीजन, रेट और वॉइस नॉट गेटिंग अप्रूव्ड, does that mean that you will not be approached for work for future projects that that particular client or studio has? acha inka ye sawal hai ki agar aapne for example kisi studio se aapki baat hui, unko aapne apna sample bheja ya unhone sample approve kar diya aur fir aapne apna rate bataya aur rate approve nahi hua, kya iska ye matlab hota hai ki wo aage se kabhi bhi aapse baat nahi karenge kaam ko leke? acha तो मैं इनका पहला सवाल, पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा. आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट टू चार्ज. अब सुमति, इसका क्या है कि आप अपने लाइफ में किस स्टेज पर हैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उस पर डिपेंड करता है. मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं. द फर्स्ट 2 to 3 years
मैं जिस तरह काम करता था, ये मैं कि एक प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बोल चुका हूँ, तो कई लोगों को लगेगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट प्लीज बी पेशेंट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट हर्ड. पहले 2-3 साल मैं ये बोलता था कि आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप मुझे वो दीजिए, बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडियोज ऑल्सो आर इन अ वेरी टाइट स्पॉट एंड दे जेन्युइनली डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू गिव, और मे बी दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद सम बिगर क्लाइंट, ताकि वो बड़ा क्लाइंट जो है वो उनको आगे और बड़े काम दे, तो वो अभी शायद ये काम कम बजट में कर रहे हैं. ऐसा होता है. इसलिए मैं अपने लाइफ में जब मैं बिल्कुल न्यू था या 1-2-3 साल तक मैं स्ट्रगल कर रहा था, पहले 3 साल सबके स्ट्रगल ही रहते हैं चाहे आप कुछ भी बोल लें, तो मैं ये बोलता था कि यार आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप दे दो मुझे. उसमें क्या होता है कि कई लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं और उनको लगता है कि यार ये इतने भरोसे के साथ हमको बोल रहा है तो हमसे जितना बनता है हमको उसको उतना देना चाहिए. दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार ये तो ऐसे ही है, इसको उल्लू बनाओ. ठीक है, वो एक टाइम तक आपको उल्लू बनाएंगे ना, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप उल्लू बन रहे हैं, तो हमेशा तक बना नहीं पाएंगे. और एक वैरायटी होती है जिसको लगता है कि अबे बकरा मिल गया, इससे जितना फ्री में काम करा लो बहुत बढ़िया है. वो भी आपको पता चल ही जाएगा कभी ना कभी कि यार आपसे कितना कोई फ्री काम करा सकता है. तो इससे क्या हुआ ना, दो चीजें हुई. पहली बात तो तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए मैंने काम किया और मेरा बहुत सारा अच्छा खासा डेमो रील तैयार हो गई. दूसरा ये हुआ, मुझे थोड़ा सा ना लोगों को जज करना आसान हो गया, कि मुझे पता लग गया कि यार जब आप अगले को फ्री विल देते हो तो उसकी असलियत बाहर आ जाती है, यू नो. क्योंकि जो इंसान दिल का सच्चा है ना, अगर वो एक बार या दो बार या तीन बार आपको कम पैसे देगा या कुछ देगा ना, बाद में उसको लेगा यार मैं तो कमा ही रहा हूं, मैं इसको क्यों नहीं दे रहा, वो खुद ही आपको दे देगा. और जो आदमी गलत इरादे ना जिसके, वो आपको नहीं देगा. तो इससे आपको पहचान हो जाएगी थोड़ी सी. दिस इज व्हाट वाज माय अप्रोच इन द इनिशियल फर्स्ट 2-3 इयर्स. देन उसके बाद क्या होता है, इनिशियल टाइम के बाद पता लग जाता है कि अच्छा आपके थोड़े बहुत दोस्त बन जाते हैं. आप जब जाते हो स्टूडियो में तो कोई और वॉइस ओवर आर्टिस्ट बाहर आ रहा होता है, आप जा रहे होते हैं तो बात होती है, इंटरेक्शन होता है. थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि अच्छा यार इस काम के लिए इतना था वहां पे मिल जाता है, या इस काम के यहाँ पे कम मिलते हैं वहां पे थोड़े से ज्यादा मिलते हैं. पर ये है कि 2-3 साल में ना आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि यार इतने काम के कम से कम इतने तो मिल ही जाते हैं. उसके बाद वो आपका लक है अगर कोई आपको उससे ज्यादा दे दे, या अगर आपने मांगा और आपको मिल गया. कभी कदार ऐसा हो जाता है कि वो भी हो जाता है, बट ये है कि बाद में पता लग जाता है. तो क्या है कि दैट टाइम दो तीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट से थोड़ा सलाह मशवरा करके, थोड़ा सा आपके अगर कोई लोकेशन में लाइक यू नो लोकली आप किसी को जानते हो, उनसे बात बात करके आप एक अपना रेट फिक्स कर लो कि यार इस काम के लिए चलिए मैं इतना तो ले लूंगी, 2,000 या 3,000 या 2,500 या जो भी है, यू नो. और इस काम की मैं इतना लूंगी, और इतना एक घंटे का है तो मैं इतना लूंगी, तो इतना तो मैं ले ही लूंगी. ठीक है, तो ये आपको आफ्टर सम टाइम बोलना पड़ेगा कि इतने काम के कम से कम इतने तो बनते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू लूज वर्क एंड डोंट वॉन्ट टू अंडर रेट माई सेल्फ. अंडर रेट योर सेल्फ वाली जो बात है ना, वो जब आप सेकेंड फेज पे आ जाओगे तब करना आपकी, मुझे इतना तो चाहिए कम से कम. और उसके बाद क्या है ना कि आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप क्लास 1 से क्लास 2 में जाएंगे तो क्लास 1 छोड़ना पड़ेगा, क्लास 2 से क्लास 3 में जाएंगे तो क्लास 2 छोड़ना पड़ेगा, तभी क्लास 3 में जाओगे. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लाइंट जो है ना, कुछ जो आप से फ्री काम करवाते थे और जो आपको कम पैसे देते थे, जब आप एक मिनिमम चार्ज करोगे ना तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा. उसके बाद जब आप उस लेवल से थोड़े से और ऊपर लेवल पे जाओगे तो उससे पहले लेवल वाले जो होंगे ना उनको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा. अब कुछ क्लाइंट होंगे जिनको समझ में आ जाएगी कि बात कि यार अभी बहुत टाइम हो गया. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हर चीज का रेट बढ़ता है भाई साहब. पेट्रोल का जब दाम बढ़ता है, प्याज आलू का बढ़ता है, मोबाइल फोन का बढ़ता है, तो वॉइस ओवर का नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा बिल्कुल. ठीक है, पर इतना भी नहीं कि हर 3 महीने बाद आपने डबल कर दिया है ऐसा कुछ. ठीक है, आई एम कंफर्टेबल व्हेन दे गिव मी अ बजट. ये अच्छी बात है, बट ये थोड़ी सी डेंजरस बात भी है कि अगर अगला बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बहुत ही कम पैसे दे दे तो तब भी क्या आप कंफर्टेबल रहेंगी? नहीं रहेंगी ना. तो ये थोड़ा सा दिमाग में बात रखिएगा, अपने कंफर्ट से मत जाइएगा हर जगह, बिकॉज योर कंफर्ट लेवल कैन बी एनीथिंग एंड यू विल नॉट रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग. तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल ऑल्सो. शुरू में ठीक है,
एक दो साल ठीक है, बट उसके बाद जब आप किसी लोगों से एक बेसिक रेट मांगना स्टार्ट कर देंगे ना, तो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन. उसमें क्लाइंट शायद कंफर्टेबल ना हो, बट आपको उसमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा. और उनके जो वो था कि अगर रिजेक्ट हो गया किसी वजह से, कि चलो सैंपल रिजेक्ट हो गया, या मैंने ये बजट बोला और अगले ने मना कर दिया, क्या वो मेरे पास कभी आएगा ही नहीं आगे से? ऐसा यूजुअली नहीं होता. यूजुअली क्या होता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग बजट होते हैं. तो जैसे मेरे पास अभी अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे वॉइस ओवर कराना है से 40 घंटे, और मैं सिर्फ आर्टिस्ट को 2,500 रुपये दे सकता हूँ, तो मैं सुमति तनेजा को बोलूंगा, सुमति तनेजा मेरे पास 2,500 रुपये पर घंटे का प्रोजेक्ट है, उसमें मैं आपको 10 या 20 घंटे का काम दे सकता हूँ. ठीक है, सुमति तनेजा से सॉरी मैं 3,000 से कम तो करूंगी नहीं. तो ठीक है, तो फिर वो किसी और से बात करेगा जो 2,500 में कर रहा है, और वो उसके साथ काम कर लेगा. बट अगर कल को उसके पास 6,000 पर घंटे वाला काम आता है, और उसके पास 200 घंटे का काम आया है, एंड क्लाइंट इज अ लिटिल बिट फसी, क्लाइंट बोल रहे हैं नहीं मुझे उन सैंपल से काम नहीं चलेगा, मुझे अच्छा और अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए, और अगर आपका सैंपल अप्रूव हो गया, और अगर तब आप 3,000 रुपये मांग रहे हो, तो आपको 3,000 रुपये वो देगा, और उसको पता है कि यार अब क्लाइंट ने उन आर्टिस्ट को तो मना कर दिया, तो अब मुझे कुछ और ही भेजना पड़ेगा, तो अब मुझे सुमति तनेजा का सैंपल भेजना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है. तो शायद अगर वो एक्सपेक्ट ज्यादा कर रही है, तो मे बी शी इज मोर क्वालिफाइड, मे बी शी इज गॉट अ बेटर वॉइस. बट कुछ लोग जो नए होते हैं ना, जिनका दिमाग नहीं होता, या बहुत ज्यादा वो तैश में रहते हैं, या पता नहीं, आई डोंट नो, देयर इज टू मच ईगो समथिंग, दे माइट बी लाइक, या तो आप मेरे टर्म्स पे काम करो, या तो आप मेरे साथ काम ही मत करो. तो अगर वो बॉलीवुड टाइप का कोई इंसान है, तो उसका पता नहीं, बट नॉर्मली लोगों का ऐसा नहीं रहता कि एक बार अगर रिजेक्ट हो गया तो अगली बार नहीं होगा, क्योंकि यार देर आर पीपल हु आर वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ वॉइस ओवर्स दे नीड, एंड देर आर पीपल हु आर लाइक अच्छा ठीक है चलता है ले रहो उसको, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, लाइक यू नो बजट इतना कम होता है, और वो उनको बस काम खत्म करना होता है. तो ऐसा कुछ नहीं है, हर टाइप के वॉइस ओवर और हर टाइप के आर्टिस्ट का काम होता है, टाइमिंग का देखना पड़ता है, कभी कुछ टाइम पे कुछ काम जरूरत होती है, कभी किसी और टाइम पे किसी और काम की जरूरत होती है. तो आर्टिस्ट की जो डिमांड है वो आती जाती रहती है. आप अपना फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कीजिए स्टूडियो के साथ, जो भी कॉन्टेक्ट पर्सन है, ओनर है, या जिससे भी आपकी बात चल रही है, उनके साथ आप फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा. हाउ टू गेट बेस इन द वॉइस. अब जैसे लोग सारे गामा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हम सब एज सिंगर्स एंड एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वी हैव अ रेंज ऑफ वॉइस. ठीक है, मतलब एक नोट, म्यूजिकल नोट से लेके एक नोट तक होता है. तो कई लोगों का बेस इतना नहीं होता. ठीक है, तो उसमें क्या है ना, कि जैसे अगर आप अपना वॉल्यूम कम कर लेंगे, तो थोड़ा सा बेस इंक्रीज हो जाता है. जैसे अगर मैं ऐसे बोलूंगा, तो ये बेस वाली आवाज नहीं है, पर जैसे ही मैंने अपना वॉल्यूम थोड़ा सा कम किया, वैसे ही मेरी आवाज में थोड़ा सा बेस इंक्रीज हो गया. ये सिर्फ एक टेक्निक है. ठीक है, इस टेक्निक से थोड़ा सा बेस आ जाता है वॉइस में, बट आपकी वॉइस बेस वॉइस नहीं हो जाती. ओके, तो ये बेसिक मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स हैं, जो बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी. बट बेसिकली थोड़ा सा बेस लाना है, तो अगर आप थोड़ा सा धीरे बोलेंगे, या जैसे आप किसी के पास आके करीब आके उनके कान में कुछ बोलेंगे, तो अपने आप आपकी वॉइस कम हो जाएगी ना, उसमें बेस इंक्रीज हो जाएगा. या अगर आप किसी को चिल्ला के बात करेंगे, तो अपने आप उसका बेस गायब हो जाएगा, और थोड़ी सी पिच जो है वो हाई हो जाएगी, जैसे थिएटर में लोग जोर जोर की बोलते हैं कभी कभी. ठीक है, जो आपकी बेसिक वॉइस रहती है ना, वो थोड़ी बहुत वैसी ही रहती है, मतलब उसको आप थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट वगैरह कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं, उसको स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी बेसिक हेल्थ का, यू नो, इफ यू टेक केयर ऑफ योर बेसिक हेल्थ, तो आपकी वॉइस भी ऑब्वियसली अच्छी होगी. सोना बहुत जरूरी है, पानी पीना बहुत जरूरी है, अच्छा न्यूट्रिशन खाना जरूरी है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा. यू नो लाइक आई नीड टू एक्सरसाइज, राइट? तो ये है, इसके अलावा कुछ और कुछ ऐसा वो नहीं है कि आपने ये वाला चूरन खाया और ओवरनाइट आप अमिताभ बच्चन वाली आवाज ले आए, ऐसा नहीं होता. डू ऑल वॉइस ओवर वर्क रिक्वायर बेस लाइक कमर्शियल रेडियो स्पॉट्स एक्सेट्रा?
Sumati Taneja, a bass voice in men and women, slightly more bass voice, is preferred. It is supposed to be sexy. It's supposed to be sensual. But yes, there are so many examples of people who don't have a bass voice who are doing a lot of work. So, it really depends on how you look at it. Theek hai? How to remove shrillness in the voice when you have to speak fast, like for 30 seconds or 60 seconds? Does that also require a bass? Achha, wo bol rahe hain ki jaise bilkul patli awaaz ho jaati hai, jab hum 30 second ya 60 second ka kisi ad mein bolte hain, usme se wo patlapan kaise nikala jaye? Ye ek aisi cheez hai jo aapko practice ke saath hi aayegi. You know, आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेडियो पे जो एड्स आती है ना, उनको आप अपने फोन से रिकॉर्ड कीजिएगा और उसका टेक्स्ट जो है ना वो सुन के लिख लीजिएगा और ट्राई टू टाइम योरसेल्फ, या मतलब जैसे लिख लिया आपने तो उसको ना बोलने की कोशिश कीजिए, बोलिए, उसे रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए. एंड आप जिस तरीके से बोल रहे हैं आप उस तरीके को चेंज कीजिए. यू नो, ट्राई टू ब्रिंग लिटिल बिट मोर बेस इन योर वॉइस. लाइक थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिए. स्पीड आप ज्यादा कर रहे हैं, थोड़े से कम वॉल्यूम में करने की कोशिश करिए. ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, मतलब ये मैं बता नहीं सकता आपको, ये आपको खुद ही करके ही समझ में आएगी चीज. डज दैट रिक्वायर बेस ऑन आउट? यार उसमें रिक्वायरमेंट हो या ना हो, आपको तो अपनी वॉइस को यूज करना पड़ेगा ना. तो आप अपनी वॉइस को ही इंप्रूव कीजिए, उसको थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा श्रिली है तो ट्राई टू बी अ लिटिल लेस श्रिली. Try to speak little more, less volume, so that there is a little more bass in your voice. Jaisa maine abhi aapko bataya. Does being natural is a trend in voiceovers? How can we be natural and emotional at the same time? I feel I'm learning every day by listening to channels like Discovery, Travel, etc. and TV commercials. Great. Natural trend, मतलब नेचुरल जैसे लोग बोलते हैं, क्या वो ट्रेंड है वॉइस ओवर्स में? यार मैं बताऊं नेचुरल ट्रेंड क्यों है. कभी कभी नेचुरल ट्रेंड आता है, कभी कभी देयर इज अ ट्रेंड वेयर यू नो दैट बिग वॉइस ऑफ गॉड, लाइक यू नो द वन दैट यू हियर इन पीवीआर एंड ऑन ऑल दीज डिस्कवरी चैनल एंड लाइक थिंग्स दैट इवन आई डू समटाइम्स विच आर लाइक बिगर देन योर नॉर्मल. और एक अपनी नॉर्मल जैसे अपन बात कर रहे हैं अभी, ऐसे टाइप का भी वॉइस ओवर होता है. तो क्या होता है ना कि जब हम ऐसे बिगर देन लार्जर देन लाइफ वॉइस को सुनते हैं ना, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते यार उससे. यू नो, जैसे अभी तुम और मैं बात कर रहे हैं, हम ऐसे हैं जैसे दो कोलीग चाय पी रहे होंगे अपना, यू नो ऑन अ लंच ब्रेक और समथिंग. तो हम जैसे बात कर रहे हैं ना, तो जब ऐसे कोई बात करता है वॉइस ओवर में ना, तो हमको सुनते ही साथ हम कनेक्ट करते हैं उसका, हमारा दिल का कनेक्शन होता है कि यार ये तो वैसे ही बात कर रहा है जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे तू बात करता है, जैसे तू बात करती है. सो ये जो नेचुरल बोलने का एक ट्रेंड है ना, इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. व्हेन पीपल हियर इट दे कनेक्ट. So anything that connects is great. जैसे बहुत सारे ads में ना लोग ऐसे, जैसे कोई actor जिससे आप बहुत ज्यादा connect करते हैं ना, like you'll see कि वो actor बहुत सारी ads कर रहा है. क्यों? Because लोग उसको देख के अपनी कहानी उसमें देखते हैं, like यार ये तो मेरा favorite है. तो जब आप normal बातचीत करते हैं तो लोग उस चीज से connect, जुड़ जाते हैं और वो communication बहुत अलग level का होता है. How can we be natural and emotional at the same time? जब आप naturally बात कर रहे होते हैं तो आपके emotions जो है ना वो सबसे ज्यादा आते हैं. जब आप किसी से प्यार से बात करते हैं, आपको किसी पे गुस्सा आता है, तो वो naturally तो है ना, it's not unnatural. आप acting नहीं कर रहे हैं. The biggest, one of the biggest, you know, abilities of a voiceover artist is that you say a voiceover and say it in a way that किसी को पता ना लगे कि आपने कुछ पढ़ के बोल रहे हैं. You know, अगर आप naturally बोल सकते हैं तो that's the best skill that any voiceover artist can have. So, I think being natural and emotional is something which is there in all of us. हम बस कैमरे को देख के या you know माइक को देख के या स्क्रिप्ट को देख के या इतने बड़े शीशे को देख के या उसके पीछे जो दो लोग बैठे होते हैं ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं कि क्या कर रहा है इंसान, like you know उसको देख के हम लोग नर्वस हो जाते हैं. बट ट्रस्ट मी, बींग नेचुरल एंड इमोशनल आर अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप भी बहुत अच्छे से और आराम से कर सकते हैं. एंड यस, यू हैव वेरी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट दैट
watching and listening to channels like Discovery and Travel and, you know, TV commercials is great. It's great. One of the things that I do to improve my English, because, you know, I'm always learning the language. Main apni English hamesha improve karna chahta hoon. Main naye words seekhna chahta hoon. Main sunna chahta hoon ki aise shabdon ko correctly kaise bola jata hai. Uske liye main BBC World Service, BBC ki ek app hai. It's called BBC something. It's a pink colored app, okay? And usme kuch BBC ke 10 channels hain. There's a dial and you can change BBC 1, 2, 3, 6, music, I don't know what all. But most of the people who present shows there, you know, besides learning about radio and how to connect with audiences that I learn, I also learn the language. And there are so many great new words that I discover. Especially if you watch BBC World Service News, then that's the best if you want to improve your English. But jaise ki Sumati Taneja ne humko bataya ki bhai, she watches Discovery, she watches Travel and Living, she watches you know, TV commercials jo aapko acche lagte hain. Better hoga agar aap thoda sa record karke liye usko sune aur uska script bana ke khud bhi koshish kare. Can someone doing English neutral accent also take up British or American accent? So, Sumati Taneja, I have a very specific view on this and I'll be very, very honest, okay? Because a lot of people say a lot of things. This is what I believe and you don't have to agree, but this is my very, very strong opinion. If you're someone who's traveled abroad, if you're someone who has lived abroad, if you're someone who has also spent a lot of time in India, agar aap aise insaan hai jisne dil, matlab India mein time spent kiya hai aur किसी और कंट्री में भी जाके टाइम स्पेंड किया है, तो क्या है ना कि एक्सेंट जो है वो बनावटी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जब वहां रहते हैं ना, तो आपके कान में एक चीज बार बार आती है, बात करने का तरीका आता है और आपका ना एक लहजा हो जाता है उस तरीके से बात करने का. कुछ लोग क्या हैं, वो एक कंट्री में रह चुके हैं, उस कल्चर का वॉइस उनके दिमाग में आ गया है, पर जब वो वापस आते हैं वो भी होता है और नॉर्मल भी रहता है, तो वो स्विच कर सकते हैं उसके बीच में, यहां जाते हैं और वहां जाते हैं. अब अगर आप, इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल हु इज नॉट ट्रैवलिंग, हु इज हियर ओनली एंड हु इज ट्राइंग टू डेवलप एन एक्सेंट, वन, यू विल डू अ वेरी पुअर जॉब, टू, इट विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर नॉर्मल लैंग्वेज. जो आप नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से एक लैंग्वेज को बोलते हैं, वो नष्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि बाद में क्या होगा ना, आपका ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये सही तरीका है, ये मुझे ऑलरेडी आता है, ये मैंने सीखा है. होगा क्या, उसके और इसके बीच में कुछ खिचड़ी सी पक जाएगी, तो ना तो आपका एक्सेंट ठीक से आ पाएगा, ना आप जो नॉर्मल ऑलरेडी अच्छा बोलते थे वो आप वैसे ही कर पाओगे जैसे आप पहले कर पा रहे थे. सो इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल हु इज अननेसेसरीली ट्राइंग टू गेट अ बिगर पीस ऑफ द मार्केट एंड थिंकिंग दैट यू नो thinking, I'm sorry, if you are going to learn another accent, then you'll get more work. It's a very, very sad and a very bad approach to have. Trust me, people who try it screw up their, you know, normal, correct skills that they already have. And people who are accent people are great with accents, and that is primarily something that they specialize in. Okay? उनको उस टाइप का काम ज्यादा मिलता है और वो उसी टाइप का काम करते हैं. तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर एक्सेंट्स आपने कभी किए नहीं, अगर आप किसी और कंट्री में गए नहीं, अगर आप उस कल्चर में इतने टाइम रहे नहीं कि वो नेचुरली आपके अंदर वो चीज आ गई है, या अगर आप किसी कॉल सेंटर में काम करते थे और आपने वहां से वो एक्सेंट सीखा है और अभी वो वैसे ही आप हो गए, आप वैसे ही हो गए और सिर्फ वही निकलता है मुंह से, तब ही आप करिए. इफ यू आर समबडी हुज डूइंग नॉर्मली, यू आर डूइंग वॉइस ओवर्स एंड इट्स गोइंग फाइन, प्लीज डोंट टच एन एक्सेंट. आई हैव केप्ट मायसेल्फ अवे फ्रॉम एक्सेंट्स, आई हैव इवन केप्ट मायसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मिमिक्री. देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू से यू हैव सच अ गुड बेस वॉइस, व्हाई डोंट यू डू अ अमिताभ बच्चन. एक टाइम था, आई थिंक 2006-07, आई डोंट नो व्हेन, एक टाइम पे डिसाइड हुआ था कि आप किसी की वॉइस मिमिक नहीं कर सकते, क्योंकि हो क्या रहा था कि रेडियो एड्स में अमिताभ बच्चन की आवाज आ रही है और वो वॉइस लोग सुन के सोच रहे हैं यार ये तो अमिताभ बच्चन की वॉइस है. एंड हो रहा क्या है कि अमिताभ बच्चन ने वो वॉइस नहीं डाली है,
एंड कल को अगर उस कंपनी के साथ कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई तो लोगों के दिमाग में क्या रहेगा, अरे उस कंपनी की तो अमिताभ बच्चन की आवाज थी, नाउ वी हेट अमिताभ बच्चन ऑल्सो. तो आई थिंक इंडियन लीगल सिस्टम में एक ऐसा लॉ या समथिंग पास हुआ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट एक कुछ पास हुआ था जिसकी वजह से ये था कि अभी मिमिक्री जो है वो रेडियो एड्स में नहीं होगी. तो मिमिक्री अभी फॉर द मोस्ट पार्ट 90% ऑफ द एड्स आर नॉट हैविंग एनी मिमिक्री. इट्स आइदर अमिताभ बच्चन डूइंग दैट एड, इट्स आइदर अक्षय कुमार डूइंग दैट एड, इट्स आइदर हुएवर सुनील शेट्टी या जो भी है, बट अभी मिमिक्री का फंडा बंद हो गया है. यू नो, तो इफ यू डू दीज थिंग्स ना, ट्राई टू डिवेलप एन एक्सेंट, ट्राई टू डिवेलप समबडी एल्सेस वॉइस कैरेक्टर्स, यू स्क्रू अप योर सेल्फ. एंड ये मुझे तब से पता था, मतलब जब से मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किए 15 साल पहले, आई वॉज लाइक मैन आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग, आई एम ओनली गोइंग टू डिवेलप माई सेल्फ. आशीष डेविड विल डू आशीष डेविड्स वॉइस, सो दैट वन डे, नॉट टूडे, मे बी 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स डाउन द लाइन, वेन पीपल लुक एट मी दिल बी लाइक वी वॉन्ट आशीष डेविड्स वॉइस, वी डोंट वॉन्ट अ सेकेंड हैंड समबडी एल्सेज वॉइस और अ सेकेंड हैंड समबडी एल्सेज एक्सेंट. Right, so that is what I would encourage you to think towards. Also, I'd like to tell you that, you know, understanding, learning, mastering, and developing a language takes years. It takes years. I have been doing English for so long, and I find that I'm learning new words even now. There are so many new things that I learn every other day. So instead of picking up new challenges, try to do the challenge that you already have and try to perfect it. I think in the long run, that will be more fruitful to you. Last question is, hey, I'm very keen on doing voiceovers for channels like Discovery, Travel and National Geographic, etc. Please guide me how to get into this. Ye ab aisa nahi hai ki main karta hu to aap jayenge to aap bhi kar, aisa nahi hota. Ye, see, I'll tell you how it works. And I'll explain you how it works. Thing is that, you know, everything is a ladder in life, okay? And you know what happens to people who try to jump a ladder? They fall on their face. So I'm not discouraging you, but I would try to encourage you to understand this, that abhi aap jis bhi level pe kaam kar rahe ho, try to first understand your level and perfect it so that you can move to the next level. When you move to the next level, try to learn and perfect and understand and then move to the next level. Slowly, slowly, slowly keep moving up. Try to get better work, try to get better clients. And trust me, the people who hire and who work at that level know what your level is when they listen to your work. Right? Aapki awaaz sabse badi bolti hai aapke baare mein. So experience gather kijiye. काम गैदर कीजिए, जितने लोगों के साथ काम कर सकते हैं आप उसमें गैदर कीजिए. यू नो, डोंट मेक नेशनल ज्योग्राफी का गोल, डोंट मेक डिस्कवरी चैनल का गोल. यू नो, आई वॉज लकी इनफ टू गेट हियर इन 15 ईयर्स, मे बी समबडी कैन गेट देयर इन 5 ईयर्स, मे बी समबडी वर्क्स ऑल देयर लाइफ एंड नेवर गेट्स देयर, बट मे बी दे गेट समवेयर बेटर. ओके, डोंट कीप वन टारगेट एज योर गोल एंड टिल आप वहां तक नहीं पहुंचे आपको लग रहा है कि आपने कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, है ना. आप उस माइंड सेट से भी आप करेंगे तो यू आर मूविंग विद अ लूजर्स माइंड सेट. यू हैव टू बी ऑफ अ विनर्स माइंड सेट. नेल वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग राइट नाउ एंड ट्राई टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल, टू द नेक्स्ट लेवल, टू द नेक्स्ट लेवल. एंड हु नोज, यू आर थिंकिंग ऑफ डिस्कवरी, मे बी यू यूल बी डूइंग वॉइस ओवर्स फॉर हॉलीवुड मैन, मे बी यूल बी डूइंग वॉइस ओवर्स फॉर द ग्रैमी अवार्ड्स, फॉर लाइक ऑस्कर अवार्ड्स, हु नोज, यू नो. सो डोंट थिंक, डोंट मेंटली यू नो पुट अ बैरियर फॉर योर सेल्फ किया, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूंगी ना तब तक मेरी लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, या जब तक मैंने वो नहीं किया तब तक मैंने कुछ भी नहीं किया. आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो आप काम कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, राइट. सो डोंट लिमिट योर सेल्फ टू अ सर्टन वॉल, लाइक डोंट हैव दैट वॉल्ड माइंड सेट. कीप योर सेल्फ ओपन, कीप योर माइंड ओपन. वट एवर कम्स योर वे, डू दैट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज एंड स्लोली एंड स्टेडली यूल गेट बेटर वर्क, बेटर क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग विल इम्प्रूव. Will it have Discovery Channel, National Geographic, etc.? I don't know. But what's important is not those channels, but you're growing and improving. Okay? Looking forward to hearing from you soon. Regards, Sumati. Well, Sumati, I hope I answered your questions.
एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग. आपने मेरे वीडियो देखा, थैंक यू. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वॉइस निंजा चैनल को यूट्यूब पे. अगली बार मैं आपसे मिलता हूँ विद अ फ्रेश वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय.